الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में उन हज़रात को जो अल्लाह पर ईमान ला चुके हैं उनको हुक्म दिया है इत्तकुल्लाह कि तुम अल्लाह से डरते रहो। अल्लाह से डरने का माना कि अल्लाह की नाफरमानी ना करो, जो अहकाम अल्लाह ने दिए हैं उसको इख्तियार करो और अल्लाह की नाफरमानी ना करो। तकवा का माना ये है कि इंसान गुनाह ना करे और अगर गुनाह हो जाए तो फिर तौबा करे। तकवा का माना सिर्फ ये नहीं कि इंसान गुनाह ना करे, गुनाह ना करे, गुनाह हो जाए तो फिर तौबा करे। जिस तरह गुनाह न करने वाले को मुत्तकी कहते हैं तो गुनाह करके तौबा करने वाले को भी मुत्तकी कहते हैं। जिस शख्स ने शुरू ही में गुनाह नहीं किया वो इसलिए नहीं करता कि अपने अल्लाह और मालिक से डरता है, और जिसने गुनाह किया और फिर तौबा कर ली उसने तौबा भी इसलिए की है कि अपने मालिक और अल्लाह से डरता है। इसलिए अगर कोई शख्स गुनाह कर बैठे तो हमें उस गुनाह करने वाले को हकीर हरगिज़ नहीं समझना चाहिए, उसके लिए अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको तौबा की तौफीक अता फरमा के अपना महबूब बंदा बना ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको तकवा की नेमत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकवा इख्तियार करने का हुक्म दिया है और फिर तकवा इख्तियार करने का तरीका बताया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितने हकीम और कितनी मोहब्बत फरमाते हैं। पहले हुक्म दिया कि यह काम करो और फिर ये बताया कि ये काम तुम कैसे करो, कैसे आसान होगा तुम्हारे लिए, इससे ज़्यादा मोहब्बत क्या हो सकती है। तकवे का हुक्म भी दिया और तकवा हासिल करने का आसान तरीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तरीका भी अता फरमाया। वो तरीका क्या है? कूनू मा सादिकीन, इन लोगों के साथ रहो जो मुत्तकीन हैं, अल्लाह तुम्हें तकवे की नेमत अता फरमा देंगे। हज़रत अल्लामा अलूसी रहमतुल्लाह अलैह तफ़सीर रूहुल मानी में लिखते हैं, ऐ खालितुहुम लितकूनू मिस्लहुम, इनके साथ तो मिलजुल कर रहो ताकि इन जैसे बन जाओ। और अजीब बात यह है, हुक्म दिया इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो, और तरीका बताया कूनू मा सादिकीन। बज़ाहिर इंसान के ज़हन में इश्काल पैदा होता है कि जब हुक्म दिया इत्तकुल्लाह तो फिर तरीका बताना चाहिए था कूनू माल मुत्तकीन, तकवा हासिल करना चाहते हो तो मुत्तकीन के साथ रहो। इसकी बजाय फरमाया तकवा हासिल करना है तो सादिकीन के साथ रहो। मालूम हुआ कि मुत्तकीन दो किस्म के हैं, बाज़ होते हैं कि जो काज़िफ़ फ़ी तकवा होते हैं, उनकी खलबत और होती है, जलवत और होती है, जैसे हम जैसे नलायक और नकम्मे लोग हैं, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। और बाज़ सादिक़ फ़ी तकवा है, जिनकी जैसे जलवत है वैसी खलवत है, जैसे हमारे सामने ज़िंदा मौजूद हज़रत शेख दामत बरकातुम तशरीफ़ फरमाएँ, खलवत और जलवत एक जैसी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल मुत्तकीन की बजाय माल सादिकीन फरमाया कि ऐसे लोगों की सोहबत में रहो जो सादिक़ फ़ी तकवा हैं, जिनकी खलवत और जलवत एक जैसी है, तुम इनकी सोहबत में रहो, मैं इनकी सोहबत की बरकत से तुम्हें तकवे की नेमत अता फरमा दूँगा। हज़रत हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह एक जुमला इरशाद फरमाया करते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा हुक्म कभी नहीं देते जो मुमकिन ना हो। अल्लाह ने जो हुक्म दिया है कूनू मा सादिकीन, मा सादिकीन, सादिकीन और मुत्तकीन के साथ रहो, तो हम कहते हैं वो दौर गुजर गया जब वली होते थे, अब कहाँ वली, अब कहाँ बुजुर्ग, वो दौर गुजर गया। तो अल्लाह ने हुक्म तो क़्यामत तक के लिए दिया है, को माजी के लिए तो नहीं दिया था।
अगर अल्लाह ने सादिकीन पैदा ही न करने तो हमें सादिकीन के साथ रहने का हुक्म क्यों देते। मालूम होता है कि सादिकीन ने रहना है और उनकी सोहबत ही से हमें तकवा मिलना है। बस तलाश करना हमारे ज़िम्मे है, तलाश करेंगे अल्लाह अता फरमा देंगे। और आप हजरात हमारे सरगोदा पूरे इलाके के कितने खुशकिस्मत हैं कि आपको तलाश भी नहीं करना पड़ता, आपको तलाश भी नहीं करना पड़ता, अल्लाह नेमतें आपके घर भेज देते हैं। हज़रत शेख मौलाना अब्दुल रफीज़ मक्की साहब दामत बरकात हो, जो हज़रत शेखुल हदीस मुहद्दिस सालमपुरी हज़रत शेख ज़करिया नबरल्लाह बरकतहू के अजल खुलफा में से। मैंने जब तरीक़त शुरू की और बैत का सिलसिला शुरू किया तो सबसे पहले बैत मैंने हज़रत दामत बरकातहू से की थी। और मुझे अभी तक याद है, जैसे बस अवकात कोई मुरीद होता है और होता कम फाम है, अकल थोड़ी होती है, प्यार शेख से ज़्यादा होता है, तो वो कभी अपने नाज भी दिखाता है। तो मैं मक्का मुकरमा में था, 1994 की बात है, आज से 20 साल पहले। तो आज के मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ले गए, तो मैंने हज़रत से अर्ज़ किया कि मैंने आपसे बैत करनी है और करनी भी हरम में है। तो हज़रत फरमाया भी सारा हरम है, जहाँ हमारा घर है ये भी हुज़ूर हरम में दाखिल है। मैंने कहा नहीं, हरम में, मस्जिद हराम में। तो हज़रत ने शफ़क़त फरमाई, मुझे गाड़ी पर बिठाया, हरम में ले गए और वहाँ जाकर बैत फरमाई, और जहाँ से मदीना मुनव्वरा गाड़ी पर जाना था वहाँ उतार कर आए, भाई यहाँ से अब मदीना मुनव्वरा की गाड़ी जाती है। तो मैं गुजारिश कर रहा था कि फरमाइशें करनी नहीं चाहिए, लेकिन बस औकात इंसान अपने इलाके में कर गुजरता है तो हमारे मशाइख उसको भी पूरा फरमाते हैं। फिर हमारे सफ़र मुख्तलिफ इधर शुरू हो गए, हज़रत की मसरूफियात थी, तो दरमियान में हज़रत हकीम साहब रहमतुल्लाह अलैह से मैंने इस्लाही ताल्लुक़ कायम किया। ख्वाब के इलम में हज़रत के साहबजादे मौलाना हकीम मदर साहब यहाँ कई बार तशरीफ़ लाए हैं, डॉक्टर अब्दुल मुकीम साहब कई बार तशरीफ़ लाए हैं। तो इस दफ़ा मक्का मुकरमा रमज़ान मुबारक में हज़रत के यहाँ हमेशा मेरी हाज़िरी होती है, इस दफ़ा फिर गए। तो मैंने हज़रत से गुजारिश की कि आप पाकिस्तान का सफ़र हो तो हमारी ख्वाहिश है कि आप हमारे यहाँ भी तशरीफ़ लाएँ और खानकाह में कदम रखें, मैं इसे ज़िक्र फरमाएँ, और आपके ज़िक्र से अल्लाह हमारे ज़िक्र को जोड़ देगा तो आपका ज़िक्र मकबूल है, अल्लाह हमारे ज़िक्र को भी कबूल फरमा लें। अपनी इबादत मशाइख के साथ मिला लें, अल्लाह कबूल फरमाते हैं। हम रोज़ाना नमाज में सूरतुल फातिहा में आयत पढ़ते हैं, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। इस पर एक इल्मी इश्काल है कि आदमी नमाज तो पढ़ता है अकेला और कहता है इय्याका नाबुदु, तो नाबुद अकेले के लिए नहीं है, नाबुद तो जमा के लिए है। तो जब आदमी अकेला नमाज पढ़े तो इय्याका आबुदु कहे ना, अल्लाह मैं तेरी इबादत करता हूँ, इय्याका नस्ताईन, इय्याका अल्लाह मैं तुझसे मदद मांगता हूँ, कहता है इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन, अल्लाह मैं तुझसे तेरी इबादत हम करते हैं और तुझसे हम मदद मांगते हैं, हम तो है नहीं है तो मैं फिर हम क्यों कहता है। तुम्हारे हजरात काबिर ने बहुत प्यारा जवाब दिया है, 24 घंटों में कोई एक सेकंड भी ऐसा नहीं गुजरता कि जिसमें कोई अल्लाह का कामिल वली अल्लाह की इबादत न करता हो। 24 घंटे में कोई एक सेकंड भी ऐसा नहीं गुजरता कि अल्लाह का कामिल वली, वरना मलाइका तो है ही ना, अल्लाह की इबादत के अंदर मशगूल ना हो। तो हम खलवत में अकेली नमाज में नाबुदु कह के अपनी इबादत को उन औलियाए कामिलीन की इबादत के साथ मिलाकर कहते हैं इय्याका नाबुदु, अल्लाह हम सब आपकी इबादत कर रहे हैं, और अपनी इबादत उनकी इबादत से क्यों मिलाते हैं, उनकी इबादत मकबूल है, जब हमारी इबादत उनके साथ मिलेगी तो हमारी भी कबूल हो जाएगी। तो मैं गुजारिश कर रहा था कि हमारी ख्वाहिश थी, हज़रत शेख दामत बरकात में शफकत फरमाई, हज़रत तशरीफ़ लाए, हम हज़रत के बेहद मशकूर हैं। हज़रत के साहबजादे मौलाना उमर साहब हैं, मुफ्ती शाहिद साहब हैं, साउथ अफ्रीका के बुज़ुर्ग हैं, मेहमान हम सब के मशकूर हैं, तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनका आना कबूल फरमाए और मुझे आप तमाम को अपने मशाइख की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। तो मैंने ये दो चार बातें अर्ज़ की हैं, तो आपके इलम में है कि मामूल के मुताबिक हम कोशिश करते हैं मगरब के बाद फौरन शुरू करें और 8:45 तक या जितना भी हो बयान हो, फिर जिक्र हो, सब कुछ हो, तो आज हज़रत दामत बरकात हम ही बयान फरमाएँगे जितना मुनासिब समझेंगे, 5 मिनट फरमाएँ या 1 घंटा फरमाएँ, हज़रत की राय पर है। उसके बाद वैसे जिक्र भी हज़रत ही फरमाएँगे,
और दुआ भी हजरत फरमाएंगे, और दुआ के बाद हजरत की अगर तबीयत ने इजाज़त दी तो फिर सबका मुसाफा हो जाएगा, और अगर ना हो सकी तो फिर सलाम का सब जवाब दे दे। अपने मशाइख की राहत का बहुत ख्याल रखना चाहिए। एक दो से मुसाफा करना आसान होता है और एक हज़ार से मुसाफा करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं आप तमाम हजरात की तरफ से हजरत का शुक्रिया अदा करता हूँ, और अब गुजारिश करूँगा हजरत फजीलत शेख मौलाना अब्दुल हफीज़ मक्की साहब दामत बरकात हमसे कि वो जितना मुनासिब समझे बयान भी फरमा दें और फिर जिक्र भी करवा दें, उसके बाद दुआ भी फरमा दें। अल्लाह हम सब का यहाँ बैठना कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।